हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने चार तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आप विलोपन विधि के आधार पर जैसे बनाए बना सकते हैं, नहीं बनेगा उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। पहले चैप्टर को खत्म करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से यह भाषा संबंधी मैथ है और आप बहुत सिंपली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया है, तो माना पेंसिल का कीमत या एक पेंसिल आप लिखिएगा, एक पेंसिल का कीमत, पेंसिल का कीमत बराबर 100 रुपया और रबड़ का कीमत आप मानिएगा, एक रबड़ का कीमत बराबर 100 रुपया। अब कहता है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का कीमत 9 रुपया, तो प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न से होगा 2x+3y बराबर में 9 और समीकरण 1। फिर आपको होगा 4 पेंसिल और 6 रबड़ का कीमत 18 रुपया, तो 4x। फिर प्रश्न से लिख सकते हैं 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल का होगा 4x और 6 रबड़ तो कै वाई होगा 6y बराबर में कै रुपया 18 रुपया। तो कहता है कि एक पेंसिल और एक रबड़ का कीमत याद करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको बर्जगुरन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं, आपको जिससे इच्छा हो उससे आप जरूर हल करके हमें बताएं कि आपने एक पेंसिल और एक रबड़ का कीमत कितना रुपया लाया है। हमें आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर का इंतजार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। आप यहाँ से देखिए, विलोपन से भी हल कर सकते हैं, बर्जगुणन से भी हल कर सकते हैं, इसमें कोई आपको बाध्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 रेलगाड़ियों द्वारा तय की गई रेलगाड़ियों का समीकरण x+2y। आपको रेलगाड़ी का समीकरण क्रमशः x+2y-4=0 एवं 2x+4y-12=0। तो देखिए, तो कहता है क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे, तो आप सोचिए। पहले हमने आपको आलेखीय विधि में क्या पढ़ाया कि पहले आप जांच करिए, तो चूंकि हम इसको जांच करेंगे तो होगा समीकरणों के तुलना करने पर 1/2 बराबर में 2/4 बराबर में आप दूसरी ओर ले जाएगा तो 3/12। तो इसको हल करिएगा तो आपको आएगा क्या, 1/2 ये भी कट के देगा, 1/2 ये नॉट इक्वल टू देगा 1/4, 3×4=12। तो ये क्या है, यह अन्य कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है का ग्राफ आप लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो क्या यह ग्राफ एक समीकरण को काटेगा, तो कभी नहीं काटेगा। हल अद्वितीय होता तो कहीं ना कहीं वो प्रतिच्छेद करता, अगर अनेक हल होता तो एक ही रास्ता पर दो गो गुजर जाते, एक ही लाइन पर दो रेखा गुजरते, लेकिन यह कोई हल नहीं है, उसका हमने ग्राफ आपको ऐसे बताया था। तो ये कितनों बढ़ा जाएगा तो क्या कटेगा समीकरण, कभी नहीं कटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, यह समीकरण एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि इसका हल क्या है, समांतर रूप से अनेक, कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो आप आंसर में लिखेंगे समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, अतः इसका मार्ग समानांतर होगा जिससे एक दूसरे को नहीं काटेंगे, मतलब इन दोनों रेलगाड़ी ऐसे चलते जाएंगे तो कभी एक दूसरा के काटने वाले नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 के प्रश्न, आप इसका 6 के उत्तर हमें जरूर बताएं कि आपने पेंसिल का कीमत कितना और रबड़ का कीमत कितना लाया है। हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। आप इसको कैसे भी विलोपन, प्रतिस्थापन, बर्जगुरन किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कहता है कि 2 आदमियों के आमदनी का अनुपात 9:7 है, तो माना आमदनी क्रमशः एक्स एवं खर्च वाई है। इसलिए पहला आदमी आमदनी का अनुपात को हम लोग कॉन्स्टेंट बना लेते हैं, 9x अनुपात क्या 7x अनुपात है, एवं खर्च का अनुपात। देखिए, कहता है 2 आदमियों के आमदनी का अनुपात 9 है, 9:7 और खर्च का अनुपात 4:3।
तो खर्च हमने वाई माना है, तो 4y अनुपात 3y। देखो कहता है प्रश्न में कि आमदनी का अनुपात 9:7 एवं खर्च का अनुपात 4:3, तो हमने माना आदमी का आमदनी क्रमशः एक्स एवं खर्च वाई है। तो आमदनी का अनुपात पहला के 9 है तो 9x, दूसरा के 7 है तो 7x, खर्च है पहला के 4 तो 4y और दूसरा के 3 तो 3y कर दिया। अब आप बताइए उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 2000 रुपया बचाता है, तो आप खुद सोचिए, चूंकि प्रत्येक का बचत बराबर में 2000 रुपया, आप खुद ही समझिए हम जितना कमाएंगे उसको में से जितना खर्च करेंगे उसके बाद जो बचेगा उसको बचत कहा जाएगा। तो पहला आदमी कमाता है 9x और खर्च करता है 4y, बचाता है कितना 2000, है ना, तो 2000 यानी इसको में से ही घटा के तभी बचाता है, और यह 7x में से 3y घटा के तब यह बचाता है। तो प्रश्नानुसार आप क्या बना सकते हैं, प्रश्नानुसार होगा 9x-4y = 2000, समीकरण 1। फिर क्या 7x-3y = 2000, समीकरण 2। अब इस तरह से आप हल कर दे सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से अगर हल करना चाहें तो देखिए, अब आप हल करना चाहिएगा तो अब लिखिए, अब तो आप हल करिएगा तो मान लीजिए कि इसको हमने 3 से गुना कर दिया, इसको हमने 4 से गुना कर दिया। अब समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, हल कर रहे हैं तो हल करने पर क्या मिलेगा, 3 से 9 में तो क्या हो जाएगा, आपको ऊपर में मैं हल कर दूं, 27x हो जाएगा। देखिए 9 * 27x - 12y = 6000, और इसको हल करिएगा तो 27x - 12y = 8000। इस तरह से आप चेंज कर दीजिएगा चिन्ह, तो यह हो जाएगा कैंसल, -x = -2000, यानी आपको आमदनी x = 2000। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, जब x का मान समीकरण 1 में आप रखिएगा तो देखिए आपको क्या मिला था, 9x, तो x के जगह पर 2000 हो जाएगा, तो 9 × 2000 - 4y = 2000। तो देखिए 9 × 2 के यहाँ से -4y निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2000, ये माइनस में है प्लस में, तो उधर जाकर के क्या होगा 18000 हो जाएगा, तो -4y = -16000 कितना 16000 हो जाएगा, तो ये काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4000, y = कितना 4000। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आमदनी का अनुपात, तो उनकी मासिक आय क्या है, तो आय तो यह है, इसलिए आय क्रमशः इसको में आप कितना से गुना करिएगा 2000 से, तो 9 × 2 के कितना 18000 एवं 14000, एक का आय है 18000 और दूसरा का मासिक आय कितना है 14000, और इसको आप मान रख करके भी चेक कर सकते हैं कि 4000 वह 2000 खत्म करके कितना बचा लेता है। तो इस तरह से आपका समीकरण यह हल हो जाता है। तो 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 10 भी देख लेते हैं और जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। क्या मिनट हुआ है अभी, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है 2 अंकों की एक संख्या और उसको अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। हालांकि अभी आपको संख्या का भी अंक और संख्या पे प्रश्न नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आपने पिछले क्लास में जरूर ही पढ़ा होगा। तो आगे देखिए 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या जब भी आते हैं तो 10 से शुरू होते हैं, कम से कम 10 से, और जाते हैं कहाँ तक, 99 तक। तो कहने का मतलब इसको में एक इकाई आता है, एक दहाई भी होता है। तो मान लीजिए ना आप, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। तो अब आप सोचिए कि अगर इकाई अंक 1 और दहाई अंक y माने, तो दहाई जब भी होगा तो 10 के बाद ही शुरू होगा, मतलब 10 से गुना होगा दहाई में,
जैसे मान लीजिए हमको 20 बनाना है, 20 हमको 25 बनाना है, तो इकाई अंक है 5 और दहाई अंक है कितना, 2। तो इसका मतलब है कि 10 से कै में गुना हुआ होगा, 2 में गुना हुआ होगा। इसलिए हम लोग संख्या जब बनाएंगे, संख्या तो संख्या बराबर 10 वाई प्लस में क्या एक्स, क्योंकि दहाई में 10 से हमेशा क्या रहता है गुना, जैसे 25 बना है तो इसका मतलब है कि 10 से 2 में गुना हो ले और 5 क्या है जुटा है। यहाँ अगर 52 बनाए तो इसका मतलब है 10 से 5 में 10 पचास 50 और 2 क्या 52, तो दहाई वाला में 10 से गुना हो रहा है, इकाई वाला क्या है जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह से पलटने पर संख्या बनाइएगा, तो पलटने पर आपको कुछ नहीं करना है, 10x प्लस वाई कर देना है इस तरह से। अब प्रश्न से चलिए, जैसे प्रश्न कर रहा है उस हिसाब से चलिए। कहता है ध्यान दीजिए, दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या के योग 66 है। कहता है दो अंकों की एक संख्या और पलटने पर बनी संख्या के अंकों का योग, पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, मानो दोनों के जोड़ दीजिए। तो प्रश्न से 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर में कितना 66। कहता है दो अंकों की एक संख्या और अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग, दोनों का योग क्या कर रहा है 66। तो यहाँ जोड़िएगा तो क्या होगा, 11x प्लस 11y बराबर में क्या 66। 11 आप कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस y बराबर क्या 66, इसको आप काट दीजिएगा तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 6। इसको आप समीकरण 1 कर सकते हो। फिर प्रश्न से, जब फिर प्रश्न से चलिएगा, फिर प्रश्न से चलेंगे तो कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, देखिए अंकों का अंतर अंक यह दोनों है, संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंकों का अंतर तो x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 2। अब इसको समीकरण 2, अब आप इसको हल कर दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो 2 x और 2 से हल करें, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, इस तरह से यह कैंसल हो गया, 2x बराबर कितना आ गया 8 और x बराबर कितना आ जाएगा 4। x इन 1, x का मान 1 में रख दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस y बराबर 6, इसलिए y बराबर कितना आ गया 2। आपसे पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो संख्याएं 2 वो होगा, एगो 24 होगा, एगो सबसे ना होगा जी तो इसलिए संख्या बराबर, देखिए संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 से कै में गुना 2 में प्लस में क्या 4, तो 10 दुना के 20 और 4 24, या पलटने पर बनाएंगे तो कितना होगा, पलटने पर होगा 42। आप इसको मैं मान रख करके देख लीजिए, तो संख्या कितने होंगे 2 वो 24 और पलटने पर 42 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सिंपली हल कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है किसी यदि किसी भीड़ के अंश में एक जोड़े और हर में एक घटाए तो आप बेशक आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा प्रश्न है, यदि किसी भीड़ के अंश में एक जोड़ा जाए और हर एक घटाया जाए, तो माना अंश बराबर एक्स हर बराबर y, इसलिए अगर भिन्न बनाइएगा आप तो होगा x बटा वाई। सबसे सिंपल होता है भिन्न ला प्रश्न, प्रश्न से चलेंगे जैसे कह रहा उसको में जोड़िए। कहता है यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए तो x प्लस 1 एवं हर में एक घटाया जाए तो y माइनस 1, तो वह एक हो जाता है, कितना हो जाता है 1। तो अब यहाँ तिरियक गुना कर दीजिए तो क्या होगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। अब इसको आप सजा दीजिए तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2, समीकरण 1। फिर प्रश्न से चल दीजिए, तो फिर प्रश्न से चलेंगे, फिर प्रश्न से आगे यदि हर में एक जोड़ा जाए, देखिए आंसर अगर कुछ नहीं कह रहा है, हर में क्या कह रहा है कि एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ते हैं तो वह एक बटा 2 हो जाता है। तो फिर से यहाँ तिरिया गुना कर लीजिए, 2x बराबर y प्लस 1 और 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दिए समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 आपको कितना है x माइनस y बराबर माइनस 2 और 2x माइनस y बराबर कितना 1। अब आप इसको हल करिएगा तो देखिए ये माइनस ही प्लस ही माइनस यहाँ से यहाँ कैंसिल, आपको हो जाएगा माइनस x बराबर कितना माइनस 3, x बराबर कितना आ गया 3।
अब एक्स का मान एक में, एक्स का मान समीकरण एक में, जब एक्स का मान एक में रखिएगा तो एक में देखिए एक इतना आ रहा है आपको, तो एक्स के जगह पर आपको हो जाएगा थ्री माइनस वाई बराबर माइनस टू, इसलिए माइनस वाई बराबर माइनस पांच और वाई बराबर कितना आ जाएगा पांच, इसलिए भिन्न बना दीजिए, भिन्न भिन्न आपने कितना लाया था एक्स बटा वाई, तो एक्स आपने कितना लाया है तीन, वाई कितना लाया है पांच, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर हर में जोड़ के देखिए आपको बराबर मान देगा। तो इस तरह से आज हम लोग 10 तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 आपको सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, पांच नंग रंगी और तीन सेवा कीमत 35, तो 5x प्लस 3y बराबर 35 और 2x प्लस 4y बराबर 28 आप जरूर हल करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम जो आपको बताएं सेम कंडीशन का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 किसी भिन्न के अंश में एक घटाया जाए, घटाने से 1/3 हो जाता है, तो यही प्रश्न के आधार पर आप बनाएंगे आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 बच गया, किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है और एक भाग कई मिनट हुआ अभी 16 मिनट, तो माफ करिए आज आप लोग इतना ही प्रश्न को हल करिए, अब आगे के वीडियो में जो भी प्रश्न आपको छूटा रहेगा आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, हम आपका सोल्यूशन जरूर उपलब्ध कराएंगे। तो आशा करते हैं आप इस चैप्टर का बहुत प्रश्न को हल कर पाएंगे, एक दो प्रश्न और छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 12 छूट गया है जो आपको जल्दी सोल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक और शेयर जरूर करें और आगे देखें, बंद है।